इंडियन बाइक से ड्राइविंग ट्रेडी है जिसका अपडेट अभी छह तारीख को आया है एंड अपडेट से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ चीजों को मिस कर दिया था जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको डॉग राइट के बारे में नहीं बताया था साथ में आर जी टूल के नए फीचर के बारे में नहीं बताया था और भी बहुत कुछ तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस अपडेट में एड हुए कुछ नए चीट कोड की तो सबसे पहला कोड हमारा निकल कर आता है बोर्ड का जो की तीन हजार और हमारे तीन से हमें एक बोर्ड देखने को मिल जाती है और मजे की बात है कि इस बोर्ड का कलर हम अपने मोबाइल से चेंज कर सकते हैं और इसको आर जी बी कलर भी कर सकते हैं अब बोर्ड के बाद में हमें एक और व्हीकल देखने को मिलती है जो की हमारी नई वाली थार और थार का कोड है नाइन वन नाइन वन और जैसे हम नॉर्मल गाड़ियों का कलर चेंज कर सकते है वैसी हम इस नई वाली थार का भी कलर चेंज कर सकते हैं और साथ में हम इसको आर जी बी भी कर सकते हैं लेकिन मुझे गोल्डन पसंद है तो मैंने गोल्डन रख लिया है और राइट तो अब आती है कन्फ्यूजन की जो की सभी लोगों को हो रहा है अगर हम पचास से वेलो सीरेप्टर को मंगाते हैं तो वो इधर उधर भागने लग जाता है और इसको देख करके कुछ लोगों को लग रहा है की यार फिफ्टी फिफ्टी वाला कोड बंद हो चुका है तो ऐसा नहीं है देखो मैं आपको अभी वेलोसिरेप्टर मंगा के दिखाता हूँ तो ये देखो यार हमारे सामने अपना आ चुका है, जो कि यार, पे भी नहीं भागता है मिलता था और इसको मंगाने के लिए हमें फिफ्टी डायल करना पड़ेगा और हमारे सामने रेक्स आ जाता है रेक्स के बाद में हमको दो डायनासोर देखने को मिलते हैं जो की इसी अपडेट में एड हुए है और उसमें पहला निकल कर आता है अपना स्पिनो और स्पिनो का कोड है 52 और फिफ्टी टू डायल करने के बाद हमको एक स्पिनो नाम का एक नया डायनासोर देखने को मिल जाता है एंड इसके बाद में हमको एक और नया डायनासोर देखने को मिलता है जिसका नाम है और और इसका कोड है है 53। 53 डायल करने के बाद हमको एक नया डायनासोर देखने को मिल जाता है जो की सबसे ऊंचा डायनासोर है तो तो ये सारी बातें हो गई अपने डायनासोर की लेकिन इसके साथ में हमको एक और ऑप्शन मिला है अभी इस अपडेट में हम लोग अपने डॉग को भी राइड कर सकते हैं तो डॉग को मंगाने के लिए हमको सिंपल छे डायल करना पड़ेगा और इस अपडेट में डॉग के साथ एक और भी एक्सपेरिमेंट कराया पहले हमारा डॉग हमारे पीछे भागता था लेकिन इस बार ही हमारे पीछे नहीं भागेगा हम इसको जहां भी स्पोन करेंगे ये वहीं पर ही खड़ा रहेगा फिर चलो मैं आपको इसकी राइट करके दिखाता हूँ तो सिंपल हमें अपने डोग के पास में आना और यहाँ पर हमको बैठने का ऑप्शन आया था है। और जिस तरीके से हम हॉर्स और वेलो को ड्राइव करते हैं सेम टू सेम बेसी हम इसको भी ड्राइव कर सकते हैं तो अभी तक मैंने आप लोगों को नए चिट बता दिए है नए डायनासोर बता दिए और डोग राइड का ऑप्शन भी बता दिया है लेकिन इस पूरा अपडेट में सबसे मस्त चीज अगर कोई आई है जो मुझे पर्सनली पसंद है वो है आरजीएस टूल में हमें सिंपल अपना मोबाइल निकलना है उसमें आरजीएस टूल में जाना है और वहां पर हमें अटैक लिख देना है तो जैसे मैं अटैक की स्पेलिंग लिख रहा हूँ आपको भी बिल्कुल वैसे की वैसे ही लिखना है वरना आपका टूल काम नहीं करेगा इससे हमारे गेम के अंदर टारगेट मोड को ऑन कर दिया जाता है चलो मैं आपको अभी लाइव एग्जाम्पल इसका दे देता हूँ तो सामने आपको कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे ना मेरी गन से इनको फायर करना पड़ेगा और जो मेरा पेट रहेगा जो मेरा डायनासोर पेट रहेगा वो इन सभी लोगों को मारने चला जाएगा जिस पर हम एम करेंगे मतलब की हम जिसके ऊपर फायर करेंगे तो अभी आप लोग देख सकते हो की टारगेट मोड अभी वर्क नहीं कर रहा है वो इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि टारगेट मोड को ऑन करने के बाद में हमें फिर से कोई सा भी डायनासोर को मंगाना है तो

टूल का फीचर है जो कि इससे पहले वाले अपडेट में आया था और मुझे एक भाई ने करके बताया था की तो आपको, तो मतलब तो आपको आपका मोबाइल निकालना है उसमें आरजीएस टूल में जाना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है रोल ऑन लेकिन अभी मेरा ऑलरेडी घूम रहा है तो मुझे इसे बंद करने के लिए रोल ऑफ लिख देना है और ये जहाँ पर है वहीं पर ही ऑफ हो जाता है और अगर मुझे इसको फिर से चालू करना है तो मुझे वापिस ऐसी रोल ऑन लिख देना है और ये वाला रैम्प वापिस से घूमने लग जाएगा तो मेरे हिसाब से तो यही सब इस अपडेट में आया था एंड अगर इस बार भी अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो मुझे माफ कर देना और मुझे कॉमेंट करके बता देना की भाई इसमें आप ये वाली चीजों को भूल गए हो एंड गई अगर आपको वीडियो पसंद आई है मुझे पता है आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से बिना शर्मा वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय